मतलब प्राइस वाला आदमी इसको ले सकता है गाड़ी को, उसकी प्राइस अपने 3.25 लाख रुपए आसमिन प्राइस, 3.25 लाख रुपए, हाँ मात्र 3.25 लाख रुपए, जो 18-20 लाख रुपए गाड़ी आपको 3.25 लाख रुपए दे देंगे। फुल लग्जरी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, फुल हर एयर बैग वगैरह सब कुछ है, कोई नहीं मिलेगी। और ये गाड़ी आपको जाए लो अपन दे देंगे कितने में? 3.5 लाख रुपए, मात्र 3.5 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन एक्सपर्ट राइड में। एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर, जो रहने वाली है एवन राइड कार चॉइस चित्रकूट में कार बाजार आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो आपने पहले भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देते आए हो, ऐसे ही देते रहिए। तो बुलाते हैं यहाँ के अशोक भैया को और करते हैं वीडियो शुरू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो भैया आ जाइए एक बार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। एक बार आपका नाम और एड्रेस बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक यादव और आप आए हैं फिर से अपने एवन राइड कार चॉइस पे। तो आज आपको मैं नए स्टॉक के साथ में, नई नई गाड़ियों के साथ में आपको फिर से एक बार अपन एन एक्सपर्ट राइड पे नई वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप इसका वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए आप अपने मतलब दोस्तों वगैरह में जिसमें भी, और आपको ले चलता हूँ मैं नए स्टॉक के साथ में। तो आइए। और अपना ऑफर क्या रहता है हमेशा? और हमारा ना ऑफर हमेशा एक अलग ही होता है, बाकी सारी अपन फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को। जैसे अदरवाइज बाहर से कोई कस्टमर आ रहा है, राजस्थान के बाहर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, तो अपन डील सारी जगह से करते हैं, राजस्थान में करते हैं, सारी जगह करते हैं। तो कस्टमर आ रहा था, उसके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था अपन स्पेशल वो हमेशा अपन देते हैं हर वीडियो में, और हर वीडियो में बोलता हूँ। और अपने पास में फाइनेंस सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा, लोन सुविधा, सारी चीज़ सारी अवेलेबल है। कोई भी गाड़ी आप दे सकते हो, एक्सचेंज भी ऑफर भी है और ले भी सकते हो खरीद सकते। अगर आपको गाड़ी बेचनी है आप वो लेके आ जाओ और यहाँ से वो भरवा के गाड़ी ले जाओ। हाँ बिल्कुल, जो प्राइस है वो बढ़िया प्राइस मिलेगा, प्राइस मिलेगी जो आप पूरे जयपुर में आप कहीं पे भी प्राइस ट्राई कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देंगे। ट्राई करने के बाद ही आप आना, आप गाड़ी लेके जाओ। पहले मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो आप पहले अपने जयपुर में किसी भी कार बाजार पे जाके रेट का ट्रस्ट करके उसके बाद आप मेरे पास में आना, जो रेट मतलब पूरे जयपुर के हिसाब से आपको रेट बेस्ट दी जाएगी, आप दी जाएगी। शुरुआत अपन होंडा सिटी करेंगे, हमेशा साइड से करते हैं, बीच में से करेंगे। जो जिस गाड़ी में कमी होती है उसी गाड़ी में अपन खुद आपको बोल के अदरवाइज खुद करवा के देते हैं गाड़ी। और अगर हमें लगी कमी यार कमी तो है वो अपन करवा के, तो वो आप ठीक करवा के दोगे? बिल्कुल, उसके बाद ही हम गाड़ी लेंगे। बिल्कुल, और हम अपने मैकेनिक को चेक करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप चेक करा सकते हो, कोई करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी में कोई कमी लग रही हो तो आप अपने मैकेनिक से चेक करा सकते हो, मिस्त्री ले बुला सकते हो, गाड़ी ले जाओ वहाँ पे चेक कराने के बाद हम गाड़ी आपसे लेंगे, कोई दिखेगी। ये 2017 का मॉडल है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, किलोमीटर्स का 80,000 चली हुई है, 80,000 चली हुई है, डीजल वेरिएंट है, टॉप मॉडल वेरिएंट है, स्टाइल वाला। अच्छा, हाँ स्टाइल वर्जन बोलते हैं इसको रैपिड में। और बहुत बढ़िया गाड़ी, जैसे आपको कंडीशन दिख रही है इसकी, बहुत एकदम सीट भी सब अंदर से काफ़ी अच्छा इंटीरियर है गाड़ी का। ये अपन इसके आसपास में चलाइए 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये? हाँ, डीजल पेट्रोल? डीजल, डीजल है, डीजल फर्स्ट पार्टी गाड़ी, एवरेज का 20 से अबव आता है, मतलब 20 के समथिंग आप नॉर्मल मान के चलो, 20 से एवरेज आराम से फुल हो जाएगा। बाकी आप चलाने पर डिपेंड, बाकी चलाने पर डिपेंड होता है, बाकी गाड़ी में कोई खर्चा नहीं, गाड़ी अपन मेंटेन गाड़ी है, सब नई गाड़ी है बिल्कुल एकदम। और जैसे अपन गाड़ी यहाँ से लेंगे हम, तो आप क्या करा के दोगे? अपन जैसे गाड़ी देते हैं तो फर्स्ट सर्विस वगैरह अपन सब कुछ कंप्लीट करवा के देते हैं कस्टमर को, कि अदरवाइज कोई कस्टमर अगर दूर से आ रहा है तो वो ले जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पहली सर्विस यहाँ पे हो चुकी है, अब जो सेकंड सर्विस होगी वो 10,000 के बाद होगी, 10,000 किलोमीटर के बाद करवानी पड़ेगी। कोई किसी गाड़ी की सर्विस हो रखी हो तो वो अपन आपको बोल के देंगे कि इस गाड़ी की सर्विस हो रही है, इतने दिन आपके बाद में करवा लेना। अच्छा, मतलब जो है वो आप बोल के देंगे, जो बोलने का काम नहीं, एक्सीडेंट कोई गाड़ी निकल जाए या किलोमीटर पे एक्सीडेंट देखो गाड़ी होगी तो भी आपको बता के देंगे कि ये एक्सीडेंट गाड़ी है या पेंट है, ये चीज़ अपन खुद बता के कस्टमर को सेटिस्फाई करके फुल गाड़ी अगर उसको प्रोवाइड करवाएंगे। किलोमीटर अगर ज़्यादा है तो किलोमीटर अपन बता के देंगे कि किलोमीटर ज़्यादा है कम है। नेक्स्ट आ गई फिर से होंडा सिटी, ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है यार, बता दीजिए। यह है नेक्स्ट 2015 का मॉडल है, होंडा सिटी एस वाला वेरिएंट है, डीजल में गाड़ी है और ओनर पर सेकंड है सॉरी, और ये 85,000 चली हुई है, 85,000 चली हुई है,
गाड़ी मतलब बहुत स्मूथ गाड़ी है, 22 से 23 का इसका एवरेज है। आप सिटी में चलाओगे तो भी इसका 20 अबाव एवरेज है, मतलब एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। और आज 2015 मॉडल डिजायर की रेट आप 5.5 लाख रुपये कम से कम आपको मिलेगी। तो डिजायर से ज़्यादा फीचर्स है इसमें, डिजायर से ज़्यादा बॉडी अच्छी आती है, एवरेज अच्छा आता है, लुकिंग वाइज अच्छी आती है, सब चीज़ की मतलब लग्जरी गाड़ी आती है होंडा की। इसकी प्राइस अपने 5.5 लाख रुपये आस्किंग प्राइस कर रखी है, जो अपन नेगोशिएबल करके गाड़ी प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर को अच्छी से अच्छी रेट में। नेक्स्ट है ये है टोयोटा की एल्टिस, मतलब ये बहुत ही शानदार गाड़ी है, सिंगल एंड गाड़ी है। जिस तरह से आपको कंडीशन दिख रही है ना, उससे भी अच्छी कंडीशन ये गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी है जी। टोयोटा में तो आपको पता है कि मतलब कोई डाउट नहीं किया जा सकता, इंजन वाइज बॉडी लाइन किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं किया जाता, बहुत काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मतलब ये पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ऑटोमेटिक गाड़ी है और फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, सिंगल एंड गाड़ी है। इसका एवरेज थोड़ा कम होगा, एवरेज आराम 13-14 का एवरेज आता है, मतलब जिस हिसाब से बड़ी गाड़ी है उस हिसाब से तो ठीक है। हाँ, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी है, तो आप इसको मतलब कम मतलब प्राइस वाला आदमी इसको ले सकता है गाड़ी को। इसकी प्राइस अपने 3.25 लाख रुपये आसमिन प्राइस, 3.25 लाख रुपये, हाँ मात्र 3.25 लाख रुपये। 18-20 लाख रुपये गाड़ी आपको 3.25 लाख रुपये देंगे। फुल लग्जरी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, फुल हर एयरबैग वगैरह सब कुछ है। फाइनेंस सुविधा भी अपने पास में है, फाइनेंस भी अपन करवा के देंगे। इंश्योरेंस गाड़ी का खत्म है तो इंश्योरेंस भी अपन करवा के देंगे। आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो अपन जो दे सकते हैं इतनी अपन दे जाएंगे। प्राइस प्राइस की 3.25 लाख रुपये, 3,25,000 रुपये इसके आस्किंग प्राइस है, विथ नेगोशिएबल है, विथ नेगोशिएबल। इसमें भी मान सम्मान हो जाएगा बिल्कुल, अगर आपको 3,25,000 का बजट है, 3 लाख का बजट है तो आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं। फुल सेडान गाड़ी है, सेडान गाड़ी भी मिल जाएगी इसमें आपको, मतलब सीटिंग का, स्पेस का, हर चीज़ का बेस्ट है, बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आप 3 लाख रुपये अगर मारुति गाड़ी लेना चाहो तो उसमें कोई नहीं मिलती भाई साहब, नहीं मिलती। नेक्स्ट है अपने पास में वॉक्सवैगन पोलो, पोलो वॉक्सवैगन पोलो है, ये 2015 का मॉडल है और ये कंफर्ट लाइन वाला मॉडल है और ये मतलब किलोमीटर चली हुई 80,000। ऑनर इसका थर्ड है, गाड़ी भाई इंजन वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑनर थर्ड है, बस मिस पॉइंट यही है कि इसमें ऑनर थर्ड है और गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये जयपुर नंबर गाड़ी है, नंबर भी अच्छा है इसका, 1516 नंबर प्लेट नहीं लगा रहा, 1516 नंबर है, गाड़ी अच्छी है। इसकी प्राइस अपन ने 4,35,000 रुपये आसपास प्राइस इसकी कर रखी है, 4,35, हाँ, जो आपको कंप्लीट मिलेगी गाड़ी, जो कंप्लीट कोई है तो वही गाड़ी पूरी कंप्लीट है, ओके गाड़ी ऑलरेडी कंप्लीट है, डीजल वेरिएंट है, डीजल है। नेक्स्ट आ जाइए अपने पास में अमेज, नई वाला शेप, नया वाला शेप मॉडल है, इसके बाद में भी नया आ गया दूसरा वैसे, अच्छा 19 में जो मॉडल था वो आया है, 18 मैन्युफैक्चर है, 19 इसका रजिस्ट्रेशन है। ये फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, किलोमीटर इसका 63,000 चली हुई है और ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जैसे आपको दिख रही है, प्यारा कलर है, बहुत अच्छा कलर लगता है, मतलब कई लोगों की चॉइस भी रहता है, ऐसा कलर है दूर से पता पड़ जाएगा, दूर से गाड़ी पता लग जाता है, गाड़ी अच्छी मतलब पसंदीदा, अच्छा हर आदमी पसंद नहीं करता, बिल्कुल हर अच्छी पसंद करते हैं गाड़ी। तो ये किलोमीटर चली हुई है 63,000 और डीजल वेरियंट है, एस वाला मॉडल है, बेस वाला मॉडल है और मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मतलब ये भी आप 19 मॉडल अगर मारुति में लेना चाहते हो, मारुति की आज डिजायर डीजल में बंद हो चुकी है, तो इसकी डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, हाँ। तो ये 2018-19 मॉडल है, तो इसकी आस्किंग प्राइस अपने 6 लाख रुपये, 6,80,000 रुपये आस्किंग प्राइस कर रहे हैं, 6,80,000 रुपये, और नेगोशिएबल जो भी है कर लेंगे, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में डस्टर, डस्टर ये है ब्लैक कलर, डस्टर जो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है, हर आदमी को पसंद है, रॉयल कलर, रॉयल कलर आता है। ये 2013 का मॉडल है, सेकंड पार्टी गाड़ी है, डीजल है, 85 वाला मॉडल है, इसमें 85 और 110 वाला मॉडल चलता है, तो ये 85 पीएस वाला मॉडल है और डीजल है, ये सेकंड पार्टी गाड़ी है, 90-92,000 किलोमीटर चली हुई है और इसकी प्राइस अपने 4 लाख रुपये आस्किंग प्राइस कर रखी है, बाकी नेगोशिएबल जो भी होगा ओपन कर लेंगे। गाड़ी मतलब अच्छी गाड़ी में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार से। नेक्स्ट अपने पास फिर से ब्लैक कलर एक्सयूवी, जो W8 है, 2012 का मॉडल है, बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं है ये गाड़ी, लेकिन आपको कंडीशन अच्छी करवा के अपन देंगे। मैं एक्चुअल में सच बात बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ में कमी है ना वो आपको कंप्लीट करवा के देंगे अपन। गाड़ी अच्छी है, ब्लैक कलर अच्छा कलर है और गाड़ी 2012 का मॉडल, अक्टूबर का, ओनर थर्ड है, मिस पॉइंट ये इसमें भी यही है कि ओनर थर्ड है, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। ये आपको प्राइस अपन दे देंगे 5 लाख रुपये में, आपको XUV W8 दे देंगे, 8 सीटर, मतलब फुल लग्जरी गाड़ी, फुल प्योर फैमिली गाड़ी, में प्योर फैमिली गाड़ी, आप आज बुकिंग वगैरह में आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो यूज़ में। सही बात है। नेक्स्ट अपनी जायलो, नेक्स्ट अपने पास में जायलो जी, ये है 2012 का मॉडल, लास्ट का, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चारों टायर नए हैं, इंश्योरेंस नया है और पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, चली हुई ओरिजिनल है, 1 लाख कुछ, मतलब 1,10,000 या 5,000 कुछ चली हुई है, ओरिजिनल चली हुई है। ये आपको दे देंगे अपन 3.5 लाख रूम, मात्र और मात्र 3.5 लाख रूम, फुल लग्जरी गाड़ी, फुल SUV टाइप में, हर जगह हर सीट पे आपको AC मिलेगी, फुल कंफर्टेबल गाड़ी है। बोलेरो के हिसाब से, स्कॉर्पियो के हिसाब से आपको इस रेट में कोई नहीं मिलेगी और ये गाड़ी आपको जायलो अपन दे देंगे।
कितने में? 3.5 लाख रूम मात्र। 3.5 लाख रूम में? अच्छा बिल्कुल। तो जैसे आपने किलोमीटर कितना बताया इसका? 1,10,000 या कुछ 15,000 कुछ चला हुआ है। तो 1 लाख ज़्यादा ज़्यादा नहीं है? कुछ ज़्यादा नहीं है इन गाड़ियों के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं। महिंद्रा की गाड़ियाँ होती हैं, एक्सयूवी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा हाँ, बाकी गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी होती है वो चले ज़्यादा उतना ज़्यादा बेस्ट। देखो गाड़ी चलने पर 1 लाख चल जाए या 2 लाख चल जाए उससे कोई डाउट नहीं होता। गाड़ी रखने के ऊपर होता है कि अपन किस तरह से रख रहे हैं गाड़ी, किस तरह रख रहे हैं, किस तरह आपने सर्विस कराई। हाँ, उसकी सर्विस कैसे करवाओगे। नेक्स्ट आ गई क्रेटा, आपकी फेवरेट गाड़ी है। हाँ सुना है मैंने सर, ये है नेक्स्ट 2015 की क्रेटा। क्रेटा 1.6 ऑप्शनल है, SX ऑप्शनल है, जो मतलब काफ़ी मतलब पूरी गाड़ी अच्छी है, पूरी गाड़ी मतलब ओरिजिनल है। किलोमीटर्स का 1,10,000 चला हुआ है, ओरिजिनल चला हुआ है। और ये R48 नंबर है जो केकड़ी का नंबर है। और ये मतलब कि इसकी प्राइस अपन ने 8,25,000 रुपये आस्किंग कर रखी है। और इसका ओनर बस थर्ड है, इसमें अच्छा। भी मिस पॉइंट यही है कि ओनर थर्ड है गाड़ी की, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। ओनर आजकल क्या होता है कि जैसे सरकारी गवर्नमेंट होता है, कोई भी आदमी होता है तो बिना नाम ट्रांसफर कराए गाड़ी नहीं देता, नहीं देते, इसलिए जल्दी से जल्दी कोई ओनर का हो जाता है। बाकी गाड़ी है ना, गाड़ी अपने को बाद में मिलती है, पहले ट्रांसफर होती है। हाँ, आप इसका ओनर मत देखिए, आप गाड़ी की कंडीशन देखना, इंजन वाइज देखना, बॉडी लाइन देखना, एक से बड़ी अच्छी मिलेगी आपको गाड़ी। बाकी आप चाहो तो चेक करा लेना, जब आप एकदम फ्री हो जाओ तब लो गाड़ी, क्या दिक्कत। बिल्कुल, चेक करा के लेंगे, हमें सही समय की तो हम ले लेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास में i20 जी, यह है 2014 का लास्ट का मॉडल अक्टूबर का, और ये सेकंड पार्टी गाड़ी है, एरा प्लस वाला मॉडल है। सबसे बेस्ट मॉडल i20 में जो आया था एरा प्लस मॉडल है, डीजल वेरिएंट गाड़ी है। ये अपन आपको दे देंगे 4,80,000 रुपये, इसकी आस्किंग प्राइस 4,80,000 रुपये, और बाकी जो भी होगा नेगोशिएबल अपन करके आपको गाड़ी दे देंगे। ईओन, ये 2014 का मॉडल है, एरा प्लस मॉडल है, और पेट्रोल वर्जन में गाड़ी है, और बहुत अच्छी कंडीशन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 68,000 की समथिंग चली हुई है। ये आपको दे देंगे 2,45,000 रुपये अपन गाड़ी, ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सिर्फ पेट्रोल या सीएनजी भी? नहीं, सिर्फ पेट्रोल, बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब आपको सीएनजी करवा सकते हैं, सीएनजी करा सकते हो, एलपीजी करवा सकते हो, आप करवा के दे सकते हो, हम करवा के दे देंगे, जो चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें ट्रांसफर वगैरह तो हमारे रहेगा। हाँ ट्रांसफर वगैरह सभी गाड़ियों पर आपका रहेगा, बाकी करवा के अपन देंगे। किस तरफ आ जाइए आप? हाँ वहीं रहना भाई साहब जी। नेक्स्ट अपने पास MU, वॉक्सवैगन MU है, डीजल, एक बीच वाला मॉडल है, कंफर्ट वाला मॉडल है, कंफर्ट लाइन मॉडल है इसका। इसमें 3 मॉडल आते हैं, हाई लाइन, कंफर्ट लाइन, ट्रेल लाइन। ये कंफर्ट वाला मॉडल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, चारों टायर नए हैं, इंश्योरेंस सब कुछ नया है, और बहुत अच्छी गाड़ी है। इसकी प्राइस अपन ने 5.25 लाख रुपये इसकी आस्किंग प्राइस अपन ने कर रखी है। बाकी जो भी होगा नेगोशिएबल अपन कर लें, कर ले। नेक्स्ट अपने पास में डिजायर जी, मारुति की डिजायर, ये जो काफ़ी डिमांडिंग कार है इस टाइम में, फुल डिमांडिंग कार बोल रहे हैं इसको मारुति की। मतलब जो चीज़ मिल रही नहीं वो वाइट, जो भी चीज़ है वाइट सोना मान लो, वाइट सोना बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये 2018 का मॉडल है, ऑटोमेटिक है फुल। अच्छा। मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक है, मतलब डीजल में है, डिजायर है डीजल में और ऑटोमेटिक है। अच्छा। और फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, 62,000 चली हुई है, फुल गाड़ी अच्छी गाड़ी है, फुल मेंटेन गाड़ी है, डॉक्टर की गाड़ी है। अच्छा, और ये आपको दे देंगे अपन 7,25,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है, जो बेस्ट प्राइस होगा वो अपन कर लेंगे। एक बार आप गाड़ी देख लीजिएगा, गाड़ी देखते ही आपको पसंद आएगी। 2018 का मॉडल है, डीजल है, किलोमीटर इसका 62,000 चली हुई है, ऑटोमेटिक वेरियंट गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। नेक्स्ट है अपने पास में वरना, ये आ गई मेरी फेवरेट गाड़ी, अब लेके आए आप एंड में बता दो फटाफट। ये है 2011 का मॉडल है वरना, 1.4 का मॉडल है ये, और ये फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, और ये मतलब चली हुई किलोमीटर इसका 85,000 किलोमीटर चली हुई है, और फर्स्ट पार्टी गाड़ी है। ये अपन आपको दे देंगे 3,80,000 रुपये मात्र, और मात्र 3,80,000 रुपये आपको वरना गाड़ी दे देंगे। 2011 मॉडल है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, किलोमीटर इसका क्या नाम है 85,000 चली हुई है। ओनर फर्स्ट है, जयपुर नंबर गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। एवरेज क्या होगा इसका? एवरेज 20 का एवरेज आता है उंडाई गाड़ी का डीजल में। हाँ आराम से 20 का एवरेज। सर्विस में कितना चार्ज लग जाता है इसका? सर्विस का आपको 5-6,000 रुपये का चार्ज आता है महीने का। हाँ नहीं महीने का नहीं, जब सर्विस का तब का महीने का। नेक्स्ट अपने पास में BMW 2009 का मॉडल है, सनरूफ वाला मॉडल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लुकिंग वाइज आपको दिख रही है, बहुत अच्छी गाड़ी है। जयपुर गाड़ी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत वन मेंटेन रखी हुई गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, प्रीमियम गाड़ियाँ हैं। ये 2009 का मॉडल है, सनरूफ है, सब कुछ है इसमें, पूरी फैसिलिटी है गाड़ी में, आपको पता है लग्जरी गाड़ी है। तो ये अपने इसकी चली हुई किलोमीटर है 80,000, और ये फर्स्ट या सेकंड पार्टी गाड़ी है, कंफर्म पता नहीं है, सेकंड पार्टी गाड़ी है, और इसकी प्राइस अपन ने 8.5 लाख रुपये इसकी आस्किंग प्राइस अपन ने कर रखी है। बाकी जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो अपन आपको दे देंगे, कर लेंगे, मतलब जो भी चीज़ है। बाकी आपको BMW 8.5 लाख रुपये, आपको BMW 8 लाख रुपये की। तो भैया जैसे सपोज करो मैंने ऐसे गाड़ी परचेज करी, या किसी भी मेरे भाई बंधु ने गाड़ी परचेज करी, गाड़ी लेके चले गए, 10 दिन बाद गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, अगर 10 दिन बाद में अगर गाड़ी उसको दिक्कत आती है, वैसे तो अपन यहाँ से प्रोवाइड मतलब पूरी चेक करके गाड़ी अगर प्रोवाइड करवाते हैं,
अगर देखो मेजर कोई इशू, मतलब मेजर तो नहीं आ सकता ज़्यादातर, माइनर कोई इशू आ जाता है तो अपन उसको दोबारा भाई चेक करवा सकते हैं गाड़ी को, कि आप चेक जो भी चीज़ आपका खर्चा होगा कोई माइनर जो चीज़ का होगा अपन करवा के दे देंगे जो भी चीज़ होगा। बट इस चीज़ में ये चीज़ हो सकती है इस वाले कंडीशन में कि आप जब गाड़ी लो तो पहले चेक करा लो, पहले चेक करवा के आप अपने लेवल पे चेक करा लो, ताकि आप जाने के बाद में कई चीज़ें मान लेते हैं अपन को रिस्क बदल जाती है, कोई चीज़ बदल जाती है कि यार आपने कुछ, हर आदमी जो इसमें घुस के नहीं देख सकता ना, कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गाड़ी आती है आपको पता है, मैं मैकेनिक तो मैकेनिक समझता हूं, बाकी आप पहले चेक करा लो, अपने मैकेनिक को चेक कराओ, गाड़ी कंपनी में चेक कराओ, बाकी से ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, नहीं आ जाएगा तो अपन उसमें फुल कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपको ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, हां मतलब सपोर्ट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने अच्छी चीज बता दी, और मैंने एक अपने जितने भी वीडियो डलती है उसमें मैंने एक चीज देखी, जब भी लोग कमेंट करते हैं ना वो थोड़ा उल्टा कमेंट करते हैं। देखो उल्टा कमेंट करने का मतलब ज्यादा है, आप पैसे ज्यादा मांगते हो, इसका क्या है रीजन? आपने ये देखा होगा कि जो मैं चीज़ आपको वीडियो में बोलता हूँ या प्राइस आपको वीडियो में बताता हूँ, एक्चुअल में मैं उस डील मतलब वो प्राइस पे डील नहीं करता हूँ। जैसे मतलब यहाँ कोई आदमी जैसे वीडियो देख के आ रहा है, कस्टमर इतनी दूर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा है, तो वो चीज़ जो यहाँ उसको प्राइस जैसे वो लेके जाता है ना गाड़ी, तो वो रेट में जो करता हूँ ना वो मार्केट में शायद कोई नहीं कर सकता उस हिसाब से रेट में उसको। मतलब जब डील होती है तो अपनी प्राइस कम हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब कस्टमर के ऊपर भाई आ रहा है तो कोई चीज़ को अपन बैठ के ऑन टेबल करते हैं तो वो चीज़ कर लेंगे, जो मान सम्मान वाली चीज़ होती है। प्राइस उन्हीं को ज़्यादा लगती है जो गाड़ी वीडियो सिर्फ देखता है, सिर्फ वीडियो जो देखता है या कोई चीज़ मतलब जो लेना नहीं चाहता गाड़ी या कोई अदरवाइज, आजकल आपको पता है कि मीडिया पर हर चीज़ का कमेंट्स आता है, लेकिन अपन कोई चीज़ को ध्यान नहीं देते भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 10 में से 2 कमेंट गलत भी आएंगे, 4 सही भी आएंगे, उस चीज़ पर अपन वो नहीं कर सकते। जो चीज़ अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं ना उस चीज़ पे अपन फोकस करते हैं कि अपन ने किस चीज़ की प्राइस करी है, क्या चीज़ करी है। बिल्कुल, कस्टमर जो गाड़ी लेके गया है मुझसे, देखो खुद 1-8% हो सकता है कोई अगर कुछ गलत हो जाए या कुछ हो जाए तो उस चीज़ के लिए नहीं, जो कस्टमर लेके गया है गाड़ी वो फुल सेटिस्फाई के साथ में गाड़ी लेके गया है, आज तक जो भी चीज़ डील हुई है अपने फुल सेटिस्फाई किया है, और एक व्यवहारिक तौर पर अपन काम करते हैं, मार्केट के हिसाब से अपन काम नहीं करते, और मार्केट में खूब सारे कार बाजार है, आपको पता है हर जगह का हर तरीके से अलग अलग आप चीज़ आपको मिलेगी, बाकी जो आप यहाँ आओगे आपको देखो बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिलेगी और हर चीज़ आपको फुल कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, रहने का खाने का हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी आपको, वो चीज़ आप अपनी तरफ से दोगे, वो अपनी तरफ से अपन देंगे कस्टमर को, मतलब ऐसे कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि अपन कहीं दूसरे अनजान जगह जा रहे हैं या कुछ और जा रहे हैं, उनको आपसे निकल मतलब लगेगा कि यार अपन किसी आदमी के पास में आए, तो व्यवहारिक तौर पर अपन हर चीज़ की डील करते हैं, मार्केट के हिसाब से अपन डील नहीं करते हैं, और जो गाड़ी आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस दी जाएगी आप चाहे से उसको मार्केट में ट्राई कर लेना या ट्राई करके आ जाना, उसके बाद आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख के आप ए1 राइट कार चॉइस पे जरूर आ जाइए। बिल्कुल, हाँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, हाँ, सारी डिटेल बता दी, हाँ, आपका नाम और एड्रेस भी बता दो। ए1 राइट कार चॉइस 9/2 चित्रकूट मार्ग नियर वैशाल नगर जयपुर, और मैं हूँ अशोक यादव और आप देख रहे हैं निर्मल भैया का एनएक्सपर्ट राइड चैनल। बिल्कुल, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और आज लाइक से लाइक करिए, शेयर करो, और आप हमारे वीडियो देख रहे हो, इनकी वीडियो देख रहे हो, ये भी काफी मेहनत करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, काफी इनकी मेहनत चल रही है, काम करते करते आज काम करते हैं, मेरा हो गया कर नहीं पा रहे, थोड़ा लेट नहीं, काफी अच्छी मेहनत करते हैं, और इनका वीडियो देख के जो कस्टमर मेरे पास में इस मंथ में कम से कम मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई है, तो मेरे पास में कस्टमर 10 से 12 कस्टमर यहाँ पे आए हैं, और डील मैंने 2 या 3 यहाँ से आपको डील करी है, हाँ करेक्ट बता रहा हूँ आपको, इनकी अच्छी चल रही है, अच्छी डील हुई है, मतलब ये चीज नहीं की नई हुई डील है। बिल्कुल, हाँ, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं हूँ निर्मल, अशोक भैया के साथ, जय हिंद।